हैदर क्या हो गया है बेटे? मनी मनी और आ जाएंगे हैं? ये पानी है वो दूध डाला हुआ है, और हाथ नहीं लगाना इनको हैदर, इतनी स्मेल आ रही है ना हमारे घर से। एक और वो आ रहा है, और इतना वो काम हो गया, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब हमने जाना है आउट ऑफ कंट्री। और अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, और हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हैं। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली जल्दी जल्दी कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट भी किया करें अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। काफ़ी दिनों से ना हम एक मसले में घिरे हुए हैं, और वो मसला जो है ना वो आए दिन वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि आपको पिछले दिनों मैंने एक व्लॉग में बताया था कि बिल्ली के बच्चे आए हुए हैं हमारे घर में, वो ले तो गई थी लेकिन फिर उनको वापस ले आई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इतना उन्होंने गंद डाला, और उनकी आंखें इतनी ख़राब हुई हुई हैं, और मुझे डर है कि मेरे खुद बच्चे हैं कि कोई मसला ना हो, कोई बीमारी ना हमारे घर में आ जाए। तो आज मैंने उनका एक हल सोचा है, तो मैंने अपनी हेल्पर से कहा है कि आपने मेरे साथ वो हेल्प करवाना, तो वो उसने कहा चले ठीक है। तो आज हम इन बच्चों को ना कहीं बाहर छोड़ देते हैं, वो शॉपर में डाल के, बड़ा वाला शॉपर है उसमें डाल के ले जाएगी, 5 बच्चे, और ज़रा हमें बाहर नहीं निकलने देते। मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा, ये तो मेरा बच्चा है, इसको तो हम कहीं भी नहीं निकालेंगे। मैं तो बिल्ली के बच्चों की बात कर रही हूँ। आओ जी, हमें दिखाते हैं बिल्ली के बच्चे, ये देखें जी, ये मेहमान जो हमारे घर में आए हुए हैं ना आए दिन, ये देखें अंदर जा रहा है। तो भाई निकल निकल भाई, मैं तुझे दिखाने आई हूँ, तू अंदर जा रहा है। ये देखें दूध भी हमने इनको डाला, ये पानी है वो दूध डाला हुआ है, और हाथ नहीं लगाना इनको हैदर, इतनी स्मेल आ रही है ना हमारे घर से। एक और वो आ रहा है, और इतना बोलते हैं सुबह शाम ची 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 कि हमें ना अंदर करो, और इतना इन्होंने यहाँ पे गंद फैलाया हुआ था। एक वहाँ पे सोया हुआ जाके, वो देखें आराम से मज़ा कर रहा है। और मैंने अपनी हेल्पर से यहाँ से ना झाड़ू लगवाया और कचरा सारा उठवाया, और उसके पाँव में आ रहे थे बार बार कि पता नहीं कुछ हमें डालने के लिए आई है। और यहाँ पे पानी मैंने गिराया है थोड़ा सा, वो मिट्टी वगैरह साफ़ होगी ना तो फिर और डाल के ना वो झाड़ू लगा देगी। तो मेरे पाँव में तो नहीं आ रहे हैं, इधर इधर ही खड़े हैं ना, 5 के 5 पूरे, और इतनी स्मेल आ रही है। आज हमने ना इनको घर से भेज देना है, बहुत तंग करते हैं, और जगह भी हमारे पास थोड़ी है तो बार बार आ जाते हैं इधर ना। इनकी मम्मा पता नहीं कहाँ पे गई हुई हैं, अब मुझे ये भी था कि वो ढूंढे ना आके मम्मा इनकी, लेकिन हम भी मजबूर हैं, क्या करें। हाँ जी मम्मा, बहुत स्मेल आ रही है इधर, अंदर आ जाओ। और मुझे डर है इनकी आँखें चेक करें ज़रा, इतनी ख़राब हुई हुई हैं ना आँखें इनकी, ये देखें इसीलिए स्मेल आ रही है। इधर हाथ नहीं लगाना आपने बेटे, चलो अंदर चलें, चलो दरवाज़ा खोलो, पीछे ये देख पाँव में आते हैं बार बार। इधर दरवाज़ा खोलो जल्दी जल्दी, अंदर घुसो, अंदर चल 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 चल, मैं भी आ रही, मैं भी आ रही हूँ, ये देख। अब इधर से देखो, इन्होंने ना इधर आके देखना, अब जाली पे चढ़ेंगे, देखिए ज़रा वो देखा देख, वो देख, ये बहुत तेज़ है बच्चा, ये हमारा जो है ना आँखें ख़राब हुई हैं सारों की, ये देखें ये कैसे चढ़ रहा है ऊपर, वो ओह कहता दरवाज़ा खोलो मैंने अंदर आना है इधर, कहता दरवाज़ा खोलो, वो दे लड़ पड़े, वो लड़ पड़े आपस में, वो दे वो स्मेल आ रही है इनमें से ना। नहीं भाई बिल्लियों का तो आज हम ना काम करने लगे हैं पूरा, अब अल्लाह हमें माफ़ करे कि इनकी माँ से दूर करें, लेकिन मैंने अपने बच्चों का भी तो ख्याल रखना है ना, इनको जल्दी जल्दी डाल के ना तो बाहर छोड़ आना ठीक है, एक एक करके उठा के डाल लो इसके अंदर। आ रहा है कि नहीं है? ठहरो मैं आगे खोलूं शॉपर है, कुछ नहीं कहते हैं मुझसे ज़्यादा, तो आप डर रही हो, मेरी हेल्पर जो है ना वो डर रही है इनसे, तो इन्होंने है अभी 5 है माशाल्लाह, चलें देखते हैं, अगर तो उठाए जाते तो उठा लेते हैं इनको ना, छोड़ के आना बाहर वो ग्राउंड में कहीं, चले मैं डाल के देखती हूँ ठीक है, या आप मैं शॉपर पकड़ती हूँ आप डालो बीच में। क्या हुआ क्या हुआ? मनी मनी और आ जाएंगे, मनी वो फिर आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे, वो ना उनको खाई हुई थी, वो गंदे शू हुए थे, उनकी आईज खराब थी, मनी और आ जाएंगे वो ना वो। हाँ जी मनी लेने थे आपने, बाबा और ले आएंगे नू वाले अच्छे से, कोई बात नहीं रोते नहीं है मेरा बेटा, मनी और आ जाएंगे। माँ सदके क्या हो गया? हाँ है
बेटे वो गंदे हो गए थे, वो इतना वो गंदी स्मेल आती थी। हैदर क्या हो गया है बेटे? मनी मनी और आ जाएंगे हैं, साबुन से धो लो हाथ। वो छोड़ के आ गई हैं और फिर रोने लग गया है कि आंटी तो अकेली आ गई, मनी कहाँ गए सारे? और आ जाएंगे मनी, इतने ज्यादा हॉली हैदर। माँ सदके मैं अपने बच्चे को और ला के दूंगी बनी है। मेरे बेटे को अच्छे लगते हैं बनी। इधर देखो मम्मा की तरफ, मम्मा की तरफ देखो। सॉरी सॉरी बेटे, वो बनी वो ना बहुत तंग करते थे, उनकी आंखें भी खराब थी। बस बस क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा भाई, जैसा कि मैंने आपको 12 रबीउल अव्वल वाले दिन बताया था ना कि वो सारा कर रहे हैं, खुदाई करके उसको प्लस्तर वगैरह कर रहे हैं, तो आज अभी अभी मैंने देखा है, अगले दिन का मैं व्लॉग बना रही हूँ, लेकिन लगाऊंगी मैं लेट थोड़ा सा, तो वो देखे वो लेने खाने आए हुए हैं। शुक्र है जल्दी जल्दी हो जाता है, जो चीज़ वो करते हैं ना, खुदाई वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसको ना उठा लेते हैं। ये नहीं है कि उधर ही कचरा वगैरह पड़ा रहता है, सारा गंद वगैरह पड़ा रहता है, खुद ही उठाओ करो। ये इनका मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये सेक्टर वालों की, ये सारा साफ करवाएं ना, जैसे पहले था वैसे ही करवाएं। अच्छा भाई, जो मियाँ साहब ने हलवा बनाया था ना, तो वो फ्रिज में पड़ा हुआ था, और सख्त हो जाता है ना फ्रिज में पड़ा पड़ा, तो मुझे सख्त वाला पसंद नहीं होता, तो मुझे ये पतला पतला ऐसे अच्छा लगता है। तो बच्चे आ गए थे स्कूल से, खाना वगैरह उन्होंने खा लिया, तो मैं इसमें पानी डाल के ना थोड़ा सा मैंने इसको गर्म किया अच्छी तरह से, और घी छोड़ना शुरू हो गया है, तो हमने इसको अच्छा कर लिया, इसको गर्म कर लिया है, तो इसलिए मैं फ्राई पैन में कर रही हूँ ना। तो बाकी उनके लिए मैंने रख दिया थोड़ा सा निकाल के। और अच्छा मैंने बताना था, बिल्ली के बच्चे जो थे ना, मैंने वो अपनी जो हेल्पर थी ना उसके हाथ भिजवा दिए थे कहीं ग्राउंड में, मैंने उसको कहा था छोड़ आए ना, तो अब मैं बच्चों का रिएक्शन चेक करती हूँ कि उनका रिएक्शन क्या है। आवाज़ कम करो बच्चों। अच्छा भाई, मैंने आपको एक बात बतानी थी, दोनों को जो बिल्ली के बच्चे थे ना पाँच, उनको भेज दिया है वो शॉपर में डलवा के ना, तो वो आ ही नहीं रहे थे शॉपर के अंदर ना, तो फिर मैंने आंटी को कहा, मैंने कहा मैं पकड़ती हूँ तो आप उसके अंदर डालो। आंटी ने शॉपर एक हाथ पे चढ़ा के उनको डाला, गुड़ुंग गुड़ुंग करके बीच में चले गए। और उनकी मम्मा पता नहीं अब कहाँ होगी ना, है ना। वैसे नहीं करना चाहिए था, मम्मा से नहीं दूर करने चाहिए थे बच्चे, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। तो आप लोगों को कोई नहीं फर्क पड़ा कि वो चले गए हैं बिल्ली के बच्चे? ये हैदर तो इतना रोया है ना और हर टाइम वो दरवाजे के आगे ही खड़े होते थे, ना दरवाजा खोलने देते थे, तो ये ना हो कि वो उठा के मन फिर ले आए। चले देखते हैं कितने दिन तक बिल्ली को वो ढूंढ लेगी। बेटे अपने बच्चों को ढूंढ लेता है बंदा, गरीबत है, होता तो है, मुझे भी बहुत हो रहा था। माय यूट्यूब फैमिली, ये देखें मैंने ना आप लोगों को दिखाना था कि जब मैं नमाज पढ़ने लगती हूँ तो मेरा बेटा आता है और जानमाज बिछा के और चेयर रख के जाता है। माशाल्लाह, या तो खुद नमाज पढ़नी होती है अपना भी बिछा लेता है, नहीं तो ये मेरा बिछा के ना, इतना नहीं पता कि उस साइड को मैं सीधा करना है, लेकिन जैसे उसकी वो अक्ल समझ है जितनी है तो उतना वो बिछा के चला गया है। तो मुझे बड़ा मेरे बेटे ने बिछाया है, लैला बिछाई है। आपकी कहाँ पे लाला? ये है ये, वो लाला की है। चलो ठीक है मम्मा, लाला कर लें आप। चलो मैं सीधा करके बिछाती हूँ इसको, टर्न करके ना सीधा करो। लाला जो मस्जिद बनी हुई है ना, इसको उस साइड पे करना है बेटे। नहीं यहाँ तो, यहाँ से तो सीधा ही है बच्चे, वहाँ से सीधा करना है। 2000 years later. पापा नए नए से लग रहे हैं। ले जी बाबा साहब आ गए और हमारे मशला से पासपोर्ट आ गए, नए नए से लग रहे हैं, तो नए उन्होंने बनाने थे, सीधा करके दिखाई था उन्होंने फोटो। अच्छा, और बाबा को पानी का किसी ने पूछा नहीं है, पी लिए ये देखो तो हैदर। ये भाई एक ये वाली खुशखबरी थी जो आपको लोगों को बतानी थी हमने, ये अच्छा माशाल्लाह सही है, सही है। बाबा को जो पुराने वाला है उससे चेंज है थोड़ा सा, वो थोड़ा सा चेंज होगा ना।
क्या खाना है, क्या चीज़ बाबा लेके आए हैं चीज़? तो पढ़ो, पढ़ोगे कैसे? ये हैदर को तो निकाल के दो ना चीज़ बेटे, बाबा को मैंने कहा था लेके आए। भाई माशाल्लाह से हमारे पासपोर्ट आ गए हैं और बच्चे बड़े खुश हैं। इनके बाबा ने दोपहर को मुझे मैसेज कर दिया था, तस्वीर भेज दी थी कि आ गए हैं ना माशाल्लाह। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारा काम हो गया और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब हमने जाना है आउट ऑफ कंट्री। और वो कंट्री जो है ना, मुल्क है, वो अभी नहीं मैं आपको बताऊँगी। अभी हमने अपने वीज़े शीज़े वगैरह लगवाने हैं, माशाल्लाह पाँचों के आ गए हैं। और फिर मैं बाद में बताऊँगी कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। और फिर मैं जब हम तैयारी श्यारी करेंगे, शॉपिंग वगैरह करेंगे, फिर आप लोगों को साथ साथ बताते रहेंगे। और लेकिन ये अभी नहीं बताना कि हम कहाँ जा रहे हैं। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।